गाइस आज का वीडियो होने वाला है काफी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज मैं करने वाला हूँ पोको M4 Pro 4G और पोको M4 Pro 5G का स्पीड टेस्ट। एक तरफ है 5G और दूसरी तरफ है बेटर कैमरा सेटअप और साथ में एमोलेड डिस्प्ले। कुछ और छोटे छोटे डिफरेंस है जो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। कि अगर वीडियो किसी भी एंगल से हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। तो दोनों स्मार्टफोन में MediaTek का प्रोसेसर मिल जाएगा, 4G में MediaTek Helio G96, 5G में MediaTek Dimensity 810। दोनों स्मार्टफोन 6GB रैम वेरियंट है, 1GB एक्स्ट्रा मिल जाएगा रैम एक्सपेंशन 4G के साथ और 5G के साथ 2GB। दोनों स्मार्टफोन 90Hz फुल HD प्लस डिस्प्ले ऑफर करता है, पोको 4G AMOLED डिस्प्ले के साथ और 5G LCD डिस्प्ले के साथ। सैमसंग रेट पोको 4G का 180Hz और 5G का 240Hz। पोको M4 Pro 4G स्मॉलर डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन है, थोड़ा कॉम्पैक्ट है, वेट भी थोड़ा कम है 15 ग्राम्स के आसपास और थिकनेस भी कम है 5G से। गाइस दोनों स्मार्टफोन प्लास्टिक का है, दोनों स्मार्टफोन दिखने में काफी सिमिलर है, बटन्स की पोजीशन भी दोनों स्मार्टफोन में बिल्कुल सेम टू सेम है। पावर एंड वॉल्यूम बटन राइट साइड पे एंड सिम ट्रे लेफ्ट साइड पे। हेडफोन जैक 4G में आपको टॉप में एंड 5G में बॉटम में मिलेगा। पोको 5G मैट फिनिश्ड है, पोको 4G ग्लॉसी है, ग्लास जैसा लगता है, बट उंगलियों के निशान मार्क्स जो है वो 4G में आपको देखने को मिलेगा। दोनों स्मार्टफोन में डुअल स्पीकर मिल जाएगा, बट 4G में आपको ट्रिपल स्लॉट मिलेगा और 5G में हाइब्रिड स्लॉट। सॉफ्टवेयर की बात करूं तो पोको 4G में एक एडवांटेज मिलेगा, आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा MIUI 13 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 11 और 5G में अभी आपको MIUI 12.5 से काम चलाना पड़ेगा, अगेन बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 11। 4G सेटअप के बाद एक लेटेस्ट अपडेट मिला जिसके साथ फरवरी का सिक्योरिटी पैच मिल गया और 5G में अभी जनवरी का सिक्योरिटी पैच है। दोनों स्मार्टफोन का बैटरी मैंने फुल कर दिया है, दोनों में स्क्रीन ऑन टाइम 5 मिनट सेट है, दोनों स्मार्टफोन को 90Hz पे सेट कर दिया है। तो चलिए सबसे पहले दोनों स्मार्टफोन को हम रिबूट कर लेते हैं। पोको M4 Pro 5G पहले बूट हो गया 34 सेकंड्स में और 4G थोड़ा सा पीछे रह गया 35-36 सेकंड्स में बूट हुआ, यानी 1.5-2 सेकंड पीछे रह गया। अब गाइस चेक करेंगे हम दोनों स्मार्टफोन का फिंगरप्रिंट स्कैनर। दोनों स्मार्टफोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, दोनों फास्ट है, एक्यूरेट है, दोनों स्मार्टफोन परफेक्टली काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा क्विक लग रहा है यहाँ पे 5G। फेस अनलॉकिंग सिस्टम की बात करें तो फिंगरप्रिंट स्कैनर को दोनों स्मार्टफोन का डिसेबल करके मैंने दोनों स्मार्टफोन को ट्राई करके देखा, दोनों बहुत ही क्लोज लग रहा है, बहुत ज़्यादा क्लोज है, थोड़ा सा क्विक लग रहा है, अगेन मुझे 5G। ये शायद एनिमेशन की वजह से है, लेकिन मुझे पॉइंट देना पड़ेगा 5G को। फिंगरप्रिंट हो या फेस अनलॉक, दोनों स्मार्टफोन काफ़ी क्लोज है, पॉइंट गया 5G को, लेकिन रियल लाइफ में दोनों स्मार्टफोन के बीच में आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अब गाइस स्पीड टेस्ट, सारे ऐप्स को मैंने बैकग्राउंड हटा दिया है, दोनों स्मार्टफोन सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो चलिए स्टार्ट करें सेटिंग्स से। दोनों स्मार्टफोन को मैंने यूज किया है, दोनों स्मार्टफोन का डे टू डे परफॉर्मेंस हो या फिर गेमिंग एक्सपीरियंस मुझे काफी इंप्रेसिव लगा दोनों स्मार्टफोन। पोको M4 Pro 4G की बात करूँ ना, MediaTek Helio G96 के साथ जो इसका परफॉर्मेंस दिखा मुझे गेमिंग में BGMI में, मैंने कुछ TDM मैचेस खेला और बहुत सॉलिड लगा मुझे इसका परफॉर्मेंस। अगर मैं इसे Realme Narzo 50 जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है उससे कंपेयर करूँ तो मुझे पोको M4 Pro 4G का गेमिंग एक्सपीरियंस ज्यादा बेटर लगा Narzo 50 से। एंड गाइस पोको M4 Pro 5G Dimensity 810 का भी परफॉर्मेंस आपको बहुत बढ़िया लगेगा, Snapdragon 695 से मुझे ज्यादा बेटर लगा Dimensity 810 का गेमिंग परफॉर्मेंस।
तो गाइज अब मल्टीटास्किंग रैम मैनेजमेंट, दोनों स्मार्टफोन फिर से याद दिला दो, 6GB रैम वेरिएंट है। पोको M4 Pro 4G में 1GB वर्चुअल रैम ऐड किया गया है और 2GB 5G में। स्पीड टेस्ट की बात करूँ तो दोनों स्मार्टफोन नॉर्मल ऐप्स में काफ़ी क्लोज लगा, ओनली एक ऐप को छोड़कर स्प्लैशिट ऐप को। स्प्लैशिट ऐप में 5G थोड़ा ज़्यादा स्लो दिखा, एक्चुअली वो ऐप का प्रॉब्लम है, बट हेवी टास्क में स्पेशली गेम्स में पोको 5G ज़्यादा क्विक दिखा। कॉल ऑफ ड्यूटी 35 सेकंड्स पहले लोड कर दिया 4G से। मल्टीटास्किंग की बात करूं तो दोनों स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस अच्छा दिखा, लेकिन पोको 4G थोड़ा सा बेटर दिखा। दोनों स्मार्टफोन सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो चलिए दोनों स्मार्टफोन का डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड चेक कर लेते हैं। ग्रेट, दोनों स्मार्टफोन बहुत ज्यादा क्लोज है, डाउनलोड स्पीड 4G का एंड अपलोड स्पीड 5G का ज्यादा दिख रहा है। अब कैसे हम सेम वाईफाई नेटवर्क की मदद से दोनों स्मार्टफोन में प्ले स्टोर से 340MB का गेम इंस्टॉल करेंगे बारी बारी से। तो पोको M4 Pro 5G ने 1 मिनट 8 सेकंड लिया, 1 मिनट 8 सेकंड लिया। अब देखते हैं 4G कितना टाइम लेता है। एंड पोको M4 Pro 4G ने सेम गेम को 1 मिनट 5 सेकंड में यानी 3 सेकंड पहले इंस्टॉल कर लिया। अब गाइस वीडियो रेंडरिंग टेस्ट, दोनों स्मार्टफोन में पावर डायरेक्टर ऐप के मदद से हम वीडियो एडिट करके रेंडर करके देखेंगे दोनों स्मार्टफोन कितना टाइम लेता है। मैंने 2 फाइल्स दोनों स्मार्टफोन में ट्रांसफर कर दिया है, लगभग 1.5GB के आसपास का फाइल है। दोनों स्मार्टफोन में सेटिंग्स जो है वो हम सेम अप्लाई करने वाले हैं। वीडियो रेजोल्यूशन रहेगा फुल HD, बिट रेट रहेगा बेटर क्वालिटी एंड फ्रेम रेट रहेगा 30 FPS। 4G में वैसे हम 60 FPS पे भी वीडियो एडिट कर सकते हैं। तो 5G ने टास्क पहले कंप्लीट कर लिया 3 मिनट 23 सेकंड में, 3 मिनट 23 सेकंड, और पोको 4G ने लिया 3 मिनट 41 सेकंड, 3 मिनट 41 सेकंड, यानी 18 सेकंड पीछे रह गया। दोनों स्मार्टफोन में LPDDR4X रैम मिल जाएगा एंड स्टोरेज टाइप दोनों स्मार्टफोन में UFS 2.2 मिल जाएगा। अभी तक हमने जितना भी टास्क किया है ना दोनों स्मार्टफोन में, दोनों काफी क्लोज था, लेकिन 5G थोड़े से मार्जिन से आगे निकलता हुआ दिख रहा है। एंड रीड एंड राइट स्पीड की बात करें तो अगेन 5G का रीड और राइट स्पीड दोनों ज्यादा दिख रहा है, बट राइट स्पीड जो है वो मोर देन डबल दिख रहा है, डबल से ज्यादा दिख रहा है। ये है दोनों स्मार्टफोन का लेटेस्ट एंड्रॉइड स्कोर, 49,000 स्कोर ज्यादा दिख रहा है। 5G का CPU एंड GPU स्कोर दोनों ज्यादा आया है। और ये है लेटेस्ट Geekbench स्कोर, इंटरेस्टिंग, सिंगल कोर का स्कोर 5G का ज्यादा दिख रहा है और मल्टी कोर का 4G का। इतने सारे टेस्ट के बाद दोनों स्मार्टफोन के CPU पे थोड़ा सा लोड पड़ा है, क्यों ना CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट करके देखते हैं 15 मिनट का। अगेन दोनों काफी क्लोज दिख रहा है, दोनों स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस आप कह सकते हो स्टेबल है। 5G का 90% दिख रहा है और 4G का 87%। दोनों स्मार्टफोन के डुअल स्पीकर की क्वालिटी काफी सही लगी। डिस्प्ले की अगर बात करूं तो 4G बेटर है, AMOLED डिस्प्ले के साथ ज्यादा सुंदर लगता है। बात करूं अगर कैमरे की तो 5G का कैमरा मैंने ट्राई किया, लेकिन 4G का कैमरा ट्राई नहीं किया। दोनों स्मार्टफोन को एक साथ ट्राई करने के बाद आप लोगों के साथ बहुत जल्द दोनों के फोटोज शेयर कर दूंगा। बैटरी कैपेसिटी दोनों स्मार्टफोन में सेम है 5000mAh की, और चार्जिंग स्पीड भी दोनों का सेम है 33W का। दोनों स्मार्टफोन का फुल बैटरी ड्रेन और चार्जिंग टेस्ट आपको कुछ दिनों के अंदर, 2-3 दिनों के अंदर देखने को मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए iPhone Unboxed।